अगले श्लोक विच महाराज कहिंदे हन, श्लोक नच राज सुख मिष्टं, नच भोग रस मिष्टं, नच मिष्टं सुख माया। नचदा अर्थ हुंदा ना नहीं, मराठी भाषा दे विच कहिंदे हन नचदा अर्थ हुंदा नहीं, कदे भी नहीं हो सकदी। मिष्टंग दा अर्थ हुंदा मिठी, राज दा जिहड़ा सुख है सदा वास्ते भी मिठा नहीं है, कदे कदे मिठा लगदा, कदे कदे बंदा बहुत औखा हो जांदा है। पहला पहला तो जदों किसी नूं सरपंच बनाईए ना तो पार्टियां करदा है, बहुत खुश हुंदा है, सारे पिंड विच लड्डू वंडदा है, सारे पिंड नूं पार्टी शराबां पियांदा है कि मैं सरपंच बन गया। अगले पंजां सालां बाद फिर बना दिओ उसनूं, फिर जिहड़ी खुशी पहले साल हुंदी सी ना वह खुशी हुण नहीं है। अगो सतनाम कहिंदा भरावा मसीह ते खेड़ा छुट्टिया सी, मसीह पांच साल पूरे होए से, मैं तां मर गया लोगों के काम करदिया होया, मैं तां औखा हो गया लोगों के काम करदिया होया, ये कोई काम है? अपने काम छड़ के दुनिया के काम करो, मैं तां औखा हो गया। कहिंदे राज दा सुख सदा वास्ते मिठा नहीं हुंदा, फिका पै जांदा एक दिन। नच भोग रस मिष्टं, किसी नूं बहुत कोई सब्जी है, कोई मठियाई है, कोई भोजन है, बड़ा स्वादला लगता है, हर रोज़ उसनों उही खवाई जाओ, उही खवाई जाओ, एक दिन बंदा अक जांदा है, कहिंदा मैं छड्डो परे होर कोई सब्जी लियाओ बना के, हुण वह भी सदा वास्ते चंगी नहीं लगती। नच मिष्टंग सुख माया, इस तरह माया के भी जिहड़े सुख हैं एक दिन बंदा ये दुखी होगा कि इसनों छड़ के चले जाते हैं। राजे भथरी वर्गे, राजे सिद्धार्थ वर्गे, जिहड़े महात्मा बुद्ध बन गए, उन्होंने इन्हों सुखों छड़ के, माया के सुखों छड़ के, राजे पीपे वर्ग जिहड़े भगत पीपा जी बन गए, कहिंदे माया के सुखों चों आनंद नहीं मिलता। अज अमेरिका के गोरे जिहड़े हन बड़े दुखी हन, परिवारों तो, पत्नियों तो, बच्चों तो, बच्चे कहना नहीं मनते, पत्नियां कहना नहीं मनदियां, अखीर उन्होंने ये रस्ता अख्तियार किया, माया नूं लोकां विच वंड दिओ जां खा पी लो, ते फिर वह छड़ छड़ के खा के खा पी के घर बार छड़ के वह फिर दूजे पासे हो करके घरों वेले हो जाते हैं, आम कले घूमते हैं घर तो। वह कहें सू इन चीज़ों की लड़ नहीं, इन्हों छ सुख मिलेगा। महाराज कहें दुनिया का कोई भी सुख है सदा वास्ते मिठा नहीं। तो महाराज कहते हैं मिष्टंग साध संग हर नानक, आखो सतनाम श्री वाह। साधुआं की संगत, गुरमुखां की संगत, गुरु की संगत ही मिठी है, जिस विच बैठ करके मिठा नाम जपया जाता है। इस संगत च बैठ के मिठी दात मिलती है नाम की, गुरु का मिठा उपदेश मिलता है। मिष्टंग साध संग हर नानक, दास मिष्टंग प्रभ दर्शन, उन्हां दासरिया नूं भगतां नूं रब दे प्यारिया नूं गुरु की संगत च बैठ के परमात्मा दर्शनों का मिठा मिठा रस पैदा हो जाता है, कि परमात्मा का दर्शन का चाह पैदा हो जाता है। वह चाह भी मिठा है, वह स्वाद भी मिठा है। महाराज कहिंदे कदे भी फिका नहीं पैंदा, जिन्हां नूं जां को रस हर रस है आयो, सो अन रस नाहीं लपटायो। वह दूजियां रसां विच पै करके खचत नहीं हुंदा, खुआर नहीं हुंदा, जिन्हों परमात्मा दे नाम दा रस आ जांदा है। बाबा फरीद जी कहिंदे हन शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। महाराज तेरे नाम दी, तेरे नाम दे बराबर दुनिया की कोई भी मिठी चीज़ बराबरी नहीं कर सकती। महाराज कहते हैं मिष्टंग साध संग हर नानक दास मिष्टंग प्रभ दर्शन, लगड़ा सो नेहो मन मजाहू रत्या। उन्हां गुरमुखां दा मन, उन्हां दा नेहो परमात्मा दे चरणां विच लगा रहिंदा है, ते मन विच हर वेले परमात्मा दा नाम दा रंग, नाम दा रस रत्या रहिंदा है। बिदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सो धनी, उन्होंने दुनियावी पदार्थ मायावी पदार्थां एक पासे कर दिता है। थोक का अर्थ हुंदा है जिहड़े बहुत अणगिणत पदार्थ हैं, उन्होंने एक पासे करके सतगुर कहिंदे मिठड़ा परमेशर जो बहुत अत प्यार करने वाला। सतगुर कहिंदे हन गुसाई मैंडा इठड़ा, अंब अबे थावो मिठड़ा। सतगुर कहिंदे मेरा जिहड़ा मालक है ना बहुत ही वड्डा विशाल हिरदे वाला है, ते प्यार पता किन्ना करदा है, अम्मा दे नालों अब्बा दे नालों किते वधेरे प्यार करदा है। अम्म दा अर्थ हुंदा अम्मा, अब्बे दा अर्थ हुंदा अब्बा, माता पिता दे नालों वधेरे किते प्यार करन वाला उहदा सुभाअ है। वह मालक अपने भगतां नूं बच्चियां दे वांगू रखदा है। पौड़ी हर बिन कछू ना ला गई भगतन को मीठा, हरी परमेश्वर वाहिगुरु जी के नाम तो बिना भगतों को कुछ भी मिठा नहीं लगता, सब फिका हो जाता है, उन्होंने सामने सब बेसुआदा हो जाता है।
आन स्वाद सब फीकिया कर निरनौ डीठा। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने भाई असीं निरना कढ़िया वेदां शास्त्रां नूं पढ़ के विचार के दुनियावी धर्मां नूं विचार के दुनियावी ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के महाराज कहिंदे उहनां विच तत् सिधांत इह निकलिया है कि सब कुछ दुनिया दे स्वाद माया दे स्वाद फिक्के हन। अग्ञान भरम दुख कटिया गुर भए बसीठा। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने, धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने, गुरु अमरदास महाराज जी ने, ते गुरु रामदास महाराज ने साढ़े ते बख्शिश की है, सानू अज्ञानता दे हनेरे विचों कढ़िया है। आखो सतनाम। ते पंज तरह के भरम जीव नू पै जांदे हन, उन्हां पंजा भरमां नू अंदरों कढ़िया है। फिर जन्म ते मरण का दुख अंदरों कढ़िया है। ते बाबा कबीर जी तां कहिंदे ना तां हुण जन्म मरण का कोई दुख, ना तां मरण का कोई डर, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए, मोहे मरने का चाओ है मरो तां हर कै द्वार। आवे मौत कदों आंदी है, मैनूं तां मरण का चा चढ़िया पिया। मौत का भी डर खत्म, जिंदगी दियां जो भी सुख सहूलत उन्हां दा भय उन्हां दा प्यार खत्म, ते अज्ञानता दी अविद्या दी जिहड़ी अंदर नींद सी उतों उठ गए हां, ते हुण सानूं जाग ऐसी आ गई है। ते कदे भी भरम नहीं करदे, कदे भी किसी चीज का वहम नहीं करते। वहम कहता कहते किसी ने छिक मारती रुक जो अजे नहीं जाना, अगों बिल्ली ने रस्ता कट दिता कहते रुक जो अजे नहीं जाना। बड़े तरह के वहम हैं, तो महाराज कहते किसी भी चीज़ का वहम साढ़े अंदर नहीं। तो महाराज कहते गुर भए बसीठा, गुरु नानक वर्गा सानू विचोला मिल गया दरगाह का। चरण कमल मन बेदया ज्यों रंग मजीठा। ऐसे गुरां दे चरण कमलों वल, कमल वर्ग जिहड़े कोमल चरण हैं वाहिगुरु जी दे, सतगुरां दे चरण कमल दे फुल वांगू पवित्र हैं, कमल दे फुल वांगू खुशबूदार हैं। कमल दे फुल नूं पूजा दे थाल विच सजाया जांदा है, ना तां गुलाब नूं, ना तां चमेली नूं, ना सतवर्ग नूं। आपां बेशक हुण बाजारों फुल मिलदे है, पर हिंदू धर्म दे विच सब तों सर्वोत्तम फुल कमल दा मल्लिया जांदा है, कहिंदे पवित्र है। महाराज कहिंदे गुरु दे चरण सब तों पवित्र हन, गुरु दे चरणां तों पवित्र होर कोई चीज़ नहीं हो सकती। मन बेदया चरण, माफ करना, चरण कमल मन बेदया ज्यों रंग मजीठा। हुण साडा मन गुरु दे प्रेम च ऐसा बिन्या गया है, ऐसा प्रेम रंग चढ़ गया है, जिवें मजीठा रंग किसी कपड़े नूं चढ़ जावे ना, वह कपड़ा भावें पाड़ जाएगा, कपड़ा भावें छिंझ जाएगा, कपड़ा पुराना हो जाएगा, पर उहदा रंग नहीं कदे उतरदा। देखो गुरु अर्जन देव महाराज तत्तियां तवियां ते बैठे, उबल दे देग दे विच बैठे, देग विच उबाले गए, सिर दे उपर तत्ती रेता पैंदी है, पर प्रेम दा रंग परमात्मा दे नाम दा रंग उतरिया नहीं। जियो प्राण मन तन प्रभु बिन से सब झूठा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अखीरली पंक्ति है, कहिंदे जियो प्राण, उस मालक ने सानूं जिंदड़ी दित्ती है, आत्मा दित्ती है, आत्मा नूं चलाउण वास्ते प्राण दित्ते हन, साह दित्ते हन, तन अते मन सब प्रभु दा है। सब कुछ दुनियावी पदार्थां दा मोह साडे अंदरों जो झूठा सी असीं उहनां नूं छड्ड दित्ता है। इह निर्णा कीता है जो महाराज जी कहिंदे हन, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रुपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियां, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़ै नहीं लगा विसरिया करता, किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा, कूड़ माखे, कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणै बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़। सच्चे पातशाह जी तुहाडे नाम तो बिना सब कूड़ है, झूठ है। जियो प्राण तन मन प्रभु बिन से सब झूठा। झूठिया चीजां दे नाल साडा स्नेह टुट गया है, सच्चे नाम दे नाल साडा प्यार पै गया है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे हन, भाई ये जीवन सानू सफल करन वास्ते मिलिया, ना टाइम पास करन वास्ते मिलिया। परमात्मा ने सानू मन दिता है, आत्मा दिती है, दिमाग दिता है, हथ पैर दिते हैं, इन्हां हथां पैरां दे नाल सेवा करनी है, इन्हां अखां दे नाल गुरु दे दर्शन करने हैं, कन्नां दे नाल बाणी सरवण करनी है, मूंह दे नाल, जुबान दे नाल वाहिगुरु दा नाम जपण वास्ते।
सतगुरु जी ने जुबान दिती है ता ही साडा जीवन सफला होवेगा, ता ही असीं उस मालक दे घर दे विच सुरखरू हो के जावांगे। जे गुरु दे दस्से अनुसार जीवन जीवांगे, गुरु वाल बन के अमृत छक के साहिब जी की कृपा दे पात्र बणांगे, ता ही साडे लोक सुखी है, पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।